सीएम शिवराज जब कुदाल लेकर हेलीकॉप्टर से उतरे तो सब कोई हैरान रह गए। कुदाल के साथ वो सीधे आदिवासियों के बीच पहुंचे और खुद हलमा परंपरा के तहत श्रमदान दिया। सीएम शिवराज ने इस परंपरा की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी शानदार परंपरा कहीं देखने को नहीं मिलती। एक तो मैं हलमा परंपरा को प्रणाम करता हूँ, हमारे जनजातीय समाज की आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा, जिसमें समाज का कोई भी भाई बहन अगर पीछे रह गया हो किसी काम में तो वो पिछड़ ना जाए, चलो हम भी गैती फावड़ा उठाएं और उसका साथ दें। अगर वो घर बनाने में पिछड़ गया तो घर बनवा दो, कुआ खोदने में देर लग रही तो कुआ मिलके खुदवा दो, अगर खेती में पिछड़ गया है तो मिलके सब चलो उसकी खेती पूरी करवा दो। ये अद्भुत परंपरा, यही है वसुदेव कुटुम्बकम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये अद्भुत परंपरा। लेकिन इस परंपरा को सामाजिक स्वरूप महेजी शिवगंगा और यहाँ के भाई बहनों ने मिलकर प्रदान किया कि व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, सामाजिक काम के लिए भी सब मिलकर इकट्ठे हो जाए। उसने हाथी पावा पहाड़ी पर 2007 से यह अभियान प्रारंभ हुआ कि सरकार की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उठाएंगे कहती फावड़ा। हलमा उत्सव के दौरान ही विकास यात्रा का समापन भी किया गया, लेकिन यह बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने इस उत्सव का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। विगत वर्ष जब हलमा कार्यक्रम हाथी पावा पहाड़ी पर हुआ था तो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस जन गेती फावड़ा लेकर उस हलमा कार्यक्रम में शामिल हुए। हमें जैसे ही पता चला कि यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर दिया गया है और भाजपाईकरण हो गया है और विकास यात्रा का समापन उस कार्यक्रम में हलमा कार्यक्रम में उन्होंने समावेश कर दिया है, इसलिए कांग्रेस ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है और हलमा कार्यक्रम एक आदिवासियों की सामूहिकता और बदलाव लाने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम होता है उसका हम स्वागत करते हैं। अच्छा हलमा कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी ऐसे राजनीतिकरण ऐसे कार्यक्रम में अगर कर दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी उस पर दूरी बनाएगी और कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। गौरतलब है कि हलमा मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों की वह परमार्थ परंपरा है जिसमें आदिवासी अपने समुदाय को विपत्ति काल में मदद का आह्वान करता है और समुदाय उसकी मदद करता है, यही हलमा है। अब इस हलमा परंपरा को शिवगंगा सामाजिक संगठन ने पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का आह्वान किया है। 2023 में अपने 2018 में खोए हुए आदिवासी वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में जुटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की भीलों की महान परंपरा हलमा को अपना रहे हैं। आज झाबुआ के मंच से उन्होंने ऐलान किया कि पूरे मध्य प्रदेश में हलमा मनाया जाएगा, सरकार हलमा मनवाएगी। साफ जाहिर है कि 2023 में भील तादाद के जो वोट हैं उनको अपनी ओर करने की ये कवायद है और इसीलिए मुख्यमंत्री आज झाबुआ में थे। चंद्रमान सिंह भदौरिया, MP तक झाबुआ।